मन मेरे अरे ओ मन मेरे, ओम नाम भजले सुबह शाम भजले मन मेरे अरे ओ मन मेरे। नदी जब तक सागर से नहीं मिलती तब तक वो अशांत रहती है, अपने उद्गम स्थान से निकलती है, दौड़ती है, भागती है, उछलती है, कूदती है, गिरती है, मचलती है। वो अशांत नदी जब सागर में मिलती है बिल्कुल शांत हो जाती है। ये मन भी संसार में दौड़ता भागता है, अशांत रहता है। यदि ये मन भी प्रभु चरणों में आए तो बिल्कुल शांत हो सकता है। मिट्टी के तेल से कभी आग नहीं बुझती और भड़क जाती है, ईंधन से कभी अग्नि की तृप्ति नहीं होती, नदियों से कभी सागर की तृप्ति नहीं होती। सागर हमेशा यही चाहता है जितनी मर्जी नदियां आती जाएं आती जाएं। जीवों से कभी मृत्यु की तृप्ति नहीं होती, उसी तरह संसार के भोग पदार्थों से प्यास नहीं बुझती बल्कि और भड़क जाती है। असीम शांति आनंद अगर पाना चाहें तो उसके चरणों में ही मिलेगा। आइए कहते हैं कैसे। वो सब का पालनहारा, वो सब का पालनहारा, जग में उसका उजियारा, जग में उसका उजियारा, पिता मात वही, बंधु भ्रात वही, मन मेरे
हरे ओ मन मेरे पिता मात वही बंधु भ्रात वही मन मेरे हरे ओ मन मेरे ओम नाम भजिले सुबह शाम भजिले मन मेरे हरे ओ मन मेरे फंदे से अगर बचना हो तो नाम की शरण में आना चाहिए। जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक के पास यदि रखा हो तो चुंबक की शक्ति उस लोहे के टुकड़े में आने लगती है, उसी तरह परमात्मा की शरण में बैठने से हमारे अंदर भी आत्मिक शक्ति आने लगती है। जैसे जंग लगा लोहा अग्नि में डालो तो देखोगे लोहा शुद्ध होने लगता है, उसकी मैल धीरे धीरे निकलने लगती है। उसी प्रकार प्रार्थना से, ध्यान से, जाप से, यज्ञ से ये मन है ना, ये भी निर्मल होने लगता है। आइए उसकी शरण में चलते हैं और बोलते हैं कैसे। बिन हाथों जगत रचाया, बिन हाथों जगत रचाया, कण कण में वो ही समाया, कण कण में वो ही समाया। गाते ज्ञानी गुनी संत योगी मुनि मन मेरे हरे ओ मन मेरे। गाते ज्ञानी गुनी संत योगी मुनि मन मेरे हरे ओ मन मेरे। ओम नाम भजिले सुबह शाम भजिले मन मेरे हरे ओ मन मेरे। बच्चा रोता है और मां काम कर रही होती है, उस बच्चे को चुप कराने के लिए पहले क्या करती है मां? तरह तरह के छोटे छोटे खिलौने उसको देती है, कोई गुड्डा, कोई गुड़िया, कोई खिलौना हवाई जहाज। बच्चा यदि खिलौने में बहल जाता है तो वो रोना भूल जाता है और मां को भी भूल जाता है। यदि वो बच्चा ये सोचे कि मां ये जो तू खिलौने दे रही है वो तेरी गोद के आगे तो बेकार है, इन खिलौनों से तो थोड़ी देर का सुख मिलेगा, मुझे तो असीम शांति चाहिए, तेरी गोद में ही बैठना है, और बच्चा फिर और तेज रोना शुरू कर देता है। मां फिर सारे काम छोड़कर उस बच्चे को अपनी गोदी में बैठाती है, ममता की, स्नेह की बरसात करती है। ठीक इसी तरह जब कोई भक्त परमात्मा की तरफ चलता है तो परमात्मा भी पहले उसको छोटे छोटे खिलौने देते हैं, कभी कोठी दे देंगे, कभी बंगला दे देंगे, कभी कार दे देंगे, कभी कोई फैक्ट्री दे देंगे,
और अगर परमात्मा की तरफ जाने वाला उन खिलौनों में बहल जाता है तो फिर वो परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन यदि भक्त ये सोचे कि प्रभु ये जो तू खिलौने दे रहा है ये तेरी गोद के आगे तो बेकार है, थोड़ी देर का आनंद ही इन खिलौनों में मिलेगा, मुझे तो तेरी गोद में ही बैठना है, तो फिर प्रभु उस व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं। आइए सुनते हैं। जो चाहे तू सुख पाना, जो चाहे तू सुख पाना, उस प्यारे को न भुलाना, उस प्यारे को न भुलाना, उससे प्रीत लगा गीत उसके ही गा मन मेरे, अरे ओ मन मेरे, उससे प्रीत लगा गीत उसके ही गा मन मेरे, अरे ओ मन मेरे, ओम नाम भजले सुबह शाम भजले मन मेरे, अरे ओ मन मेरे। जब कोई बच्चा मेला देखने जाता है, यदि वो अपने पिता की उंगली पकड़ के रखे तो मेला उसको बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करो यदि पिता की उंगली छूट जाए और पिता से बिछुड़ जाए, अब वो मेले में अच्छी से अच्छी वस्तु देखेगा तो उसे अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह से दुनिया में रहना, किसी भी हाल में रहना, लेकिन पिता की उंगली हमेशा पकड़ के रखना, उसका दामन हमेशा थाम के रखना। आइए आखिर में सुनते हैं। बिन हाथों जगत रचाया, बिन हाथों जगत रचाया, कण कण में वो ही समाया, कण कण में वो ही समाया, गाते ज्ञानी गुनी संत योगी मुनि मन मेरे, अरे ओ मन मेरे, गाते ज्ञानी गुनी संत योगी मुनि मन मेरे, अरे ओ मन मेरे, ओम नाम भजले सुबह शाम भजले मन मेरे, अरे ओ मन मेरे, मन मेरे, अरे ओ मन मेरे।